कर सकने पहले ये खेती शुरू की तो उस समय इनको जैविक खेती के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, परंतु जैसे ही इनको पता चला कि आज जैविक की अति आवश्यकता है, जैविक खेती की ज़्यादा महत्व है, तो इन्होंने अपने हिसाब से ही जैविक खेती भी अपने आप आए और आज स्थिति ये है कि ये पूर्णतया पिछले 3 सालों से जैविक विधि से अनार तैयार कर रहे हैं, जैविक विधि से बिलपत्र तैयार कर रहे हैं। इन्होंने कीट नियंत्रण के लिए बाकायदा फेरोमोन ट्रैप्स के डिब्बे अपने हिसाब से तैयार करके और फेरोमोन ट्रैप्स लगा के उससे नियंत्रण कर रहे हैं। इसके अलावा ये आग दथुरा इत्यादि को सड़ा गला के और उसका स्प्रे करके और कीटों का नियंत्रण करते हैं। और ये जो यहाँ हमारे इस कृषक के जो अनार जो दिए विभाग ने उपलब्ध करवाए अनार सिंदूरी, इसकी जो हमने देखी इसकी क्वालिटी इतनी गजब की आई है कि ये अनार बिल्कुल निर्यात योग्य अनार है, अनार सिंदूरी, जिसकी कीपिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जिसको अगर खुले में भी 30 से 40 दिन तक भी रखा जाए तो ये अनार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और इसके भाव जो है पूरे कहीं भी जाओ चाहे इसको निर्यात किया जा सकता है, बहुत अच्छे भाव मिलते हैं। और ये कृषक अन्य कृषकों के बजाय थोड़े से लीक से हटकर हैं। ये काश्तकार एक एक पौधे को ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई पौधा छूट जाए इनकी नज़र से, एक एक पौधे की बारीकी से कटाई छटाई, इनकी प्रूनिंग ट्रेनिंग, निराई गुड़ाई, खाद और ये सारी चीज़ें ये खुद देखते हैं। इससे इसको इनको फ़ायदा ये हुआ कि इनकी जो 2011 में जो पैदावार शुरू हुई थी धीरे धीरे ये शुरू होके और आज बिल्कुल अपने परवान पे है और ये इससे सालाना 2.5 से 3 लाख रुपये अपनी आमदनी कर रहे हैं अनार से।